नागलोई क्षेत्र की ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसी बात का फायदा उठाकर इनसे 100-100 रुपए की वसूली की गई। पैसों के बदले इन्हें जागरण और भंडारे की पर्ची थमा दी गई और कहा गया कि पर्ची के बदले इन्हें लोन और मकान भी मिलेंगे। रविवार के दिन क्षेत्र के निगम पार्षद ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर कुछ महिलाओं के बीच सिलाई मशीन और 10-10 हजार लोन के चेक भी बांटे, लेकिन हजारों महिलाओं से किए वादे के बदले महज कुछ महिलाओं को ही चेक और सिलाई मशीन दिए गए और ज्यादातर महिलाओं को बैरंग वापस लौटा दिया। इस बात से महिलाएं गुस्सा गई और नांगलोई थाने शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन इन महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई भी ठोस आधार नहीं मिल रहा, क्योंकि पर्चियां तो भंडारे और जागरण के नाम की काटी गई हैं, जिसमें भाजपा नेता रछोड़िया का जिक्र तक नहीं है। अब ठगा सा महसूस कर रही इन महिलाओं को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं और निगम पार्षद की इस धूर्तता की शिकायत किसके पास करें। हम लोग को उन्होंने ये बोले कि हम फार्म भर रहे हैं, इसकी मशीनें देंगे, मकाने देंगे और लोन देंगे, तो इस बात पे 100-100 रुपया का फार्म भरवा रहे थे उन्होंने। फिर हम लोगों ने 100-100 रुपया का फार्म ये देख के भरे कि चलो हम लोग गरीब आदमी है, अगर 10 हजार लोन मिल जाता है तो कोई काम आ जाएगा, हमारा आदमी बेरोजगार है, सब्जी उब्जी बेचता है, उसमें आ जाएगा काम। इस लालच में भरे, उसने हमारी तो 3 पर्ची फाड़ दी। छतर सिंह रछोइया के आदमियों ने पर्ची लेके फाड़ दिया, एक पर्ची मेरे हाथ में रह गई इसकी। तो भैया क्यों ना गुस्सा मारू, हम गरीब आदमी, हम किसके पास जाए? मकान मिलेगा, इसमें आपको मकान मिलेगा, ये पर्ची लेके आना 12 तारीख को और आपको मकान मिलेगा, और ये हमारा वादा, ये बोला था उसने पर्ची छतर सिंह रछोइया ने ये कह के भरा था। छतर सिंह रछोइया ने ये कह के भरा था कि इसमें सिलाई मशीन मिलेगी और एक प्लाट मिलेगा और इसके साथ साथ लोन भी मिलेगा, जो औरतें अपने घर में काम कर सकती हैं, दुकान कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आज जब हम उन्होंने हमारे फोन पे मैसेज फोन करके बुलाया, आज जब हम गए तो वो ये कह के दे दिया कि हमने भंडारा के लिए पर्ची काटा था। ये ऐसा क्यों किया, इतनी बेईमानी क्यों किया हमारे साथ, कहाँ गई हमारी मशीन और प्लाट? आज ये बात कहा, उस दिन ये बात कह देता तो हम क्यों पर्ची कटवाते? क्या पता, अब इसके वजह तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि उसके अंदर तो हम घुसे नहीं, वो खुद ही जान सकता है कि हम क्यों इतना बेईमानी कर रहे हैं, क्यों गरीबों का पैसा खा रहा है। पूरी घटना को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पर्ची तो भंडारे और जागरण के नाम से काटे गए, लेकिन कार्यक्रम भाजपा नेताओं का हो गया, जिसका खर्चा नांगलोई की हजारों भोली भाली और कम पढ़ी लिखी जनता ने उठाया। बैंड बाजे, घोड़ियां, राजस्थानी पगड़ी, फूलों का हार और तमाम तामझाम। 10 हजार के लोन, सिलाई मशीन और मकान के लालच में हजारों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। भाजपा सांसद उदित राज, पूर्व महापौर रविंद्र गुप्ता, मास्टर आजाद और मोहन भारद्वाज सरीखे नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि किस चतुराई से इन्हें यहां गुमराह करके बुलाया गया है। हल्ला हंगामा बढ़ा तो भाजपा नेता छतर सिंह रछोइया लोगों को मां की कसम देकर शांत भी कराते दिखाई दिए। तो छतर सिंह रछोइया के पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि 100-100 रुपए भीख मांगकर ये कार्यक्रम मैंने किया। नांगलोई वार्ड 31 की भाजपा निगम पार्षद और उनके पति छतर सिंह रछोइया अक्सर गलत कारणों से ही सुर्खियों में रहते हैं, कभी फर्जी पेंशन तो कभी सरकारी भवन पर अवैध कब्जा। मच्छरदानी घोटाले से लेकर जनता से अवैध उगाही तक के आरोप इन पर लगते रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी निगम चुनाव में जनता छतर के इन चतुराइयों का जवाब किस तरह देती है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।